हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने फ्लॉपी डिस्क उसके टाइप्स सब पढ़ लिए थे। आज हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हार्ड डिस्क, ठीक है ना। अब हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ते हैं। दिया है हार्ड डिस्क एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के काम आता है। सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और फाइलें आदि को रखने के लिए हमें हार्ड डिस्क की आज जरूरत पड़ती है। सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन चला रहा हो, किसी भी या फिर किसी वेबसाइट का सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, वो हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, जो भी चलता है, जिस ओएस सिस्टम पे चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, उन सबका डाटा स्टोर करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। फाइलें, जो भी आप फाइलें स्टोर करते हैं उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यह एक तरह का अपरिवर्तनशील स्टोरेज डिस्क ड्राइव है। म्यूजिक, वीडियो, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट और आदि सभी इसमें डाउनलोड की गई फाइलों को रखा जाता है स्टोर करके, ठीक है। जितने भी तरह का डाटा हम स्टोर करके, नॉर्मली बात कर रहे हैं कि हम अगर कोई सा भी डाटा स्टोर करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, सेफ रखते हैं, किस पर रखा जाता है? हार्ड डिस्क में, ठीक है। साथ ही हार्ड डिस्क कंप्यूटर पर रन हो रहे ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के लिए फाइलों को भी स्टोर करती है, ठीक है। आप जो भी चीज़ डाउनलोड कर रहे हो, मीडिया फाइल वगैरह जो भी है, ठीक है, उसके साथ साथ कंप्यूटर सिस्टम जो रन करता है, चलता है, जिस भी हाथ पे जिस ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता है, ठीक है, वो भी किसमें स्टोर होता है? उसका भी डाटा हार्ड डिस्क में, ठीक है। नेक्स्ट दिया है, हार्ड डिस्क एक मैकेनिकल डिवाइस होता है। इसमें डाटा चुंबक तत्व के कारण, मैग्नेटिज्म के कारण स्टोर होता है। हार्ड डिस्क के अंदर एक चुंबकीय मैग्नेटिज्म पदार्थ, जैसे प्लॉटर कहते हैं, इसे बनी हुई गोल्ड डिस्क लगी होती है, जिसमें कई छोटे छोटे हिस्से होते हैं। एक हिस्सा केवल एक बिट स्टोर करता है। हार्ड डिस्क से डाटा को पढ़ा और लिखा तभी जा सकता है जब हार्ड डिस्क का प्लॉटर घूमता रहे, क्योंकि प्लॉटर में डाटा को पढ़ने और लिखने के लिए हार्ड डिस्क में एक छोटा सा डिवाइस लगा रहता है। अब आप जब इसका पिक्चर्स देखोगे, फोटो देखोगे, आपको समझ में आ जाएगी ये क्या है। एक रिंग तरह का, एक सर्कल तरह का, सर्कल है, ठीक है ना, गोल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्लॉटर, जिसे प्लॉटर बोलते हैं, जो मैग्नेटिज्म होता है, चुंबक के प्रभाव से रहता है, ठीक है, उसमें मैग्नेट होता है। तो इसमें क्या होता है, सारा डाटा उसमें स्टोर होता है। अब ये जब तक डाटा आपको पढ़ लिख सकता है, जब तक वो घूमता रहेगा। जब वो हार्ड डिस्क घूमना बंद कर देगी तो कंप्यूटर में जितना भी डाटा है वो बताना बंद कर देगा, ठीक है ना। ना आपको डाटा बताएगा, ना कुछ बताएगा, एरर ही बताएगा। वो घूमता रहेगा तब तक आप जो चीज़ सर्च करोगे, जो स्टोर करोगे, वो चीज़ सारी आपको दिखाता रहेगा कि हाँ ये स्टोर हैगा, ये चीज़ें इसमें। बट अगर वो चीज़ घूमना बंद हो जाएगी, प्लॉटर बंद हो जाएगा, ठीक है ना, तो वो दिखाना बंद कर देगा। अब ये दिखाता है, उसमें एक डिवाइस लगा रहता हैगा, ठीक है। लाइक आपने एक पुराने टाइम में एक रेडियो आती थी जिसमें इतनी बड़ी सीडी होती ब्लैक कलर की, ठीक है ना, उसको लगाया जाता था कैसेट को, और उसके ऊपर एक बारीक सी पिन रहती थी, उसको उस पर टच कराया था। जब वो सीडी घूमती थी तो सॉन्ग प्ले होते थे, ठीक है ना। ओल्ड मूवीज, पुरानी पिक्चरों में आपने देखा होगा, ठीक है ना, उस तरह का रेडियो आता था, सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम। तो उसी टाइप में इसमें भी एक छोटी सी पिन टाइप में रहती है, ठीक है, एक डिवाइस लगा रहता है। जैसे जैसे वो प्लॉटर घूमते जाता है, वो डिवाइस उस पर रहता है, वो सारा डाटा रहेगा लैपटॉप पे स्क्रीन पे शो होता जाता है, जिसे रीड राइट आर्म कहते हैं, ठीक है। उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, रीड राइट आर्म। इसके नीचे प्लॉटर का सबसे छोटा हिस्सा रहता है, इसलिए प्लॉटर का घूमना बहुत जरूरी है। हार्ड डिस्क की स्पीड में भी प्लॉटर के घूमने की स्पीड पर ही डिपेंड करती है। अब हार्ड डिस्क की स्पीड किस पर डिपेंड करती है? प्लॉटर के घूमने पर। जितना तेज प्लॉटर घूमेगा, उतना तेज वो हार्ड डिस्क की जो डिवाइस है, ठीक है ना, जो मेमोरी है, वो हमें डाटा प्रोवाइड करेगी। प्लॉटर जितना तेज घूमेगा, हार्ड डिस्क की स्पीड उतनी तेज रहेगी। आमतौर पर डेस्कटॉप पीसी या लैपटॉप में 160 GB, 250 GB, 500 GB, 1 TB और 2 TB स्टोरेज हार्ड साइज की हार्ड डिस्क होती है। नॉर्मली कंप्यूटर, ठीक है ना, कंप्यूटर हमारा लैपटॉप, इसमें नॉर्मली कितनी, 160 GB, 250 GB, 500 GB, 1 TB और 2 TB, ठीक है ना। इसके भी यहाँ पे टीवी के हिसाब से ये चीज़ दे रखी होती है, आपके साइज के हिसाब से। जैसे आप अपने मेमोरी कार्ड यूज़ करते होंगे, ठीक है ना, 6 GB, 4 GB, 2 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, ठीक है, उसी भी यहाँ पर, यहाँ पर और ज़्यादा स्पीड की ये रहती है, ठीक है ना। अब हार्ड डिस्क में पार्ट्स दे रखे हैं हमें, ठीक है ना। पहला पार्ट्स होता है प्लॉटर्स। प्लॉटर एक गोलाकार मटेरियल डिस्क है जो एक हार्ड डिस्क के ड्राइव के अंदर माउंट होती है। एक छोटे से एरिया से अधिक डाटा स्टोरेज सरफेस बनाने के लिए कई प्लेट्स एवं फिक्स्ड स्पीडिंग मोटर पर माउंट होते हैं। प्लेटर में एल्यूमिनियम या ग्लास सब्सट्रेट से बने कोर होते हैं जो फेरिक
ऑक्साइड या कोबाल्ट मिश्र धातु की पतली परत से ढके होते हैं। सब्सट्रेट मटेरियल के दोनों तरफ एक पतली कोटिंग को स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग तकनीक द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। अब फ्लोटर्स क्या होता है, अभी हाल मैंने बताया एक धातु की एक प्लेट होती है, ठीक है ना, जिसमें सल्फर और ग्लास ये सब उसमें क्या रहते हैं, मिक्स रहते हैं। अब ये क्या होती है कि घूमते जाते हैं जिसमें डाटा स्टोर होता है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही ये होता है फ्लोटर, ठीक है ना। उसके बाद हमारे अगले पार्ट आते हैं, ये नेक्स्ट आता है रीड्राइव हेड्स। हेड मैग्नेटिक मीडिया के बीच एक इंटरफेस होते हैं जहां हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। हेड इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं जो मैग्नेटिक पल्स के लिए बीट्स के रूप में होता है। जब इसे प्लेटर पर स्टोर करना होता है तो रीड के दौरान यह प्रोसेस उलट होती है। हेड हार्ड डिस्क का सबसे परिष्कृत पार्ट होता है। प्रत्येक प्लेटर में दो रीड राइट हेड होते हैं जो टॉप पर और नीचे की ओर माउंट होते हैं। यह हेड स्लॉटर्स का माउंट होता है जिसे हेड आर्म एवं सस्पेंडेड होता है। हेड आर्म को एक ही स्ट्रक्चर में शामिल किया जाता है जिसे एक्सट्रूएटर कहा जाता है, जो एक मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। अब रीड राइट हेड, अब रीड राइट हेड क्या होता है, एक नॉर्मल सी बात कर लेते हैं कि पढ़ने और लिखने की क्षमता रखने वाला, ठीक है ना, पढ़ने और लिखने की क्षमता रखना है। अब रीड राइट हेड के द्वारा क्या होता है, एक ऐसा पार्ट्स होता है, एक डिवाइस होता है, ठीक है ना, जो क्या करता है उस फ्लोटर में जिसमें हम डाटा स्टोर कर रहे हैं उसमें क्या है, डाटा को स्टोर भी करता है, लिखता भी है, रीड भी करता है और राइट भी करता है, लिखना और पढ़ना दोनों का काम करता है। कैसे करता है, अपोजिट साइड में, ठीक है ना, दोनों तरफ इस तरह की प्लेट ले लेते हैं हम, ठीक है ना, जो हमारा फ्लोटर है इस तरीके से घूमता रहेगा, ठीक है ना। अगर ये मान के चलते हैं कि उसका ऑप्शन ये ऊपर वाला रीड का हैगा, तो जब हमें कोई चीज़ डाटा चाहिए रहेगी उसमें से, तो वो रीड करेगा उसको, पढ़कर हमें देगा, ठीक है। जब हमें कोई डाटा सेव करना रहेगा तो वो नीचे वाला प्लग ऊपर जाकर उससे टकरा कर वो डाटा स्टोर करते रहेंगे। तो इस तरीके की इसकी प्रोसेस रहती है। फिर आता है स्पिंडल मोटर्स। हार्ड डिस्क प्लेटर को रन करने के लिए स्पिंडल मोटर हाइड ड्राइव ऑपरेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब स्पिंडल मोटर क्या होती है, एक तरह की मोटर होती है। नॉर्मली आपने एक छोटी सी मोटर आती है, ठीक है ना, आपने लाइक एनर्जी का टाइप चल रहा था उसमें एक मोटर लगाई हुई है उनके पीछे चक्र चलाने के लिए, ठीक है, उसी टाइप में एक मोटर आती है जो उस प्लॉटर को घुमाने में, हार्ड डिस्क को घुमाने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव लेयर। मैग्नेटिक मीडिया एक हार्ड ड्राइव के ऊपर पतली सुरक्षात्मक चिकनी परत के रूप में लगी होती है। इस परत को सुरक्षात्मक परत कहा जाता है क्योंकि यह डिस्क को दुर्घटना से, आकस्मिक संपर्क या ड्राइव में प्रवेश करने से पहले बाहरी सामग्री से होने वाले नुकसान को बचाती है। प्रोटेक्टिव लेयर एक तरह की लेयर होती है कि जो उसमें जो डाटा स्टोर रहता है उस पर एक पतली परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, ताकि कहीं नुकसान हो जाए या फिर कोई डैमेज हो जाए या फिर कोई मिसाज आ जाए, जैसे लाइक बोल सकते हैं धूल मिट्टी आ रही है तो उस पर चिपकेगी नहीं, ठीक है ना। प्लस ये हो सकता है कि अगर नॉर्मली हम उसको अगर रख रखी हो, कहीं धक्का लग गया, घिसा गए, तो वो चीज़ें क्या आती है, वो लेयर उसको बचा लेती है कि नुकसान होने से। फिर दिया है फ्लोटर डिवीजन। व्यवस्थित स्टोरेज को बनाए रखने और डाटा को पुनर्प्राप्ति के लिए प्लेटर्स को विशेष संरचना में व्यवस्थापित किया जाता है। इस विशेष संरचना में ट्रैक, सेक्टर और क्लस्टर शामिल होंगे। जब आप सारा डायग्राम देखोगे इसमें तो ठीक है ना, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कौन सा डिवाइस क्या हैगा। मैंने आपको पहले भी बोली है कि आईपी के अंदर आप जो भी चीज़ देखना चाहते हो हर चीज़ प्रैक्टिकल है यहाँ पर, ठीक है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है ना, हमने जो भी आउटपुट इनपुट डिवाइस पढ़े सारे चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों ने रियलिटी में देख रखी है और नहीं देखी है, ठीक है ना। तो आप अगर गूगल पे सर्च मारोगे उनका रियल फोटो देखोगे ना, तो आप कहोगे कि यार ये चीज़ हमने देख रखी है, ठीक है ना, हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है, हमने देख रखी, बस सारी चीज़ें वही है। बट यहाँ पर क्या है, उनको एक कंप्यूटर लैंग्वेज में बताया गया है, ठीक है ना। अब हार्ड डिस्क का आपने नॉर्मली देख रखा होगा, अगर आपने कंप्यूटर चलाया तो हार्ड डिस्क के बारे में आपको नॉलेज होगा। फिर नेक्स्ट है ट्रैक्स। प्रत्येक प्लॉटर को पैक किए गए हजारों भागों में विभाजित किया जाता है। एक ट्रैक एक पेड़ के छल्ली को संरचना से मिलते जुलते हैं। हार्ड डिस्क पर संग्रहित जानकारी ट्रैक्स में दर्ज की जाती है। प्लॉटर के बाहरी तरफ शून्य से शुरू होकर ट्रैक्स की संख्या बढ़ती है जो अंदर तक जाती है। प्रत्येक ट्रैक्स हजारों बाइट्स के लिए बड़ी मात्रा में डाटा की गिनती कर सकते हैं। ट्रैक्स लेयर होती है, ठीक है ना, जो प्लॉटर होता है उस पर लेयर होती है, हजारों लेयर होती है जिस पर डाटा स्टोर हो। ये वाला पॉइंट हमने कल वाले में फ्लॉपी डिस्क में भी पढ़ा था, लाइक सीडी प्लेयर का एक एग्जांपल लिया था कि उसमें बारीक बारीक लाइनिंग होती है, ठीक है, तो यहाँ पर भी होती है इसमें,
ठीक है ना, जो प्लॉटर होता है का हार्ड डिस्क होती है उसमें बारी 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 टाइपिंग होती है जिसमें हजारों बाइट में डाटा स्टोर किया जाता है। अब क्या होता है कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, बाहर से स्टार्ट होकर कहाँ घुसता है, अंदर की तरफ। ठीक है, बाहर जीरो रहता है, फिर डाटा घुसते घुसते कहाँ जाता है, अंदर में। अगर डाटा स्टोर भी कर रहा है सबसे पहले कहाँ, तो बाहरी लेयर में स्टोर करके फिर अंदर की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि अंदर से बाहर जाए, बाहर से अंदर जाता है। नेक्स्ट दिया है सेक्टर्स, प्रत्येक ट्रैक्स आगे छोटी इकाइयों में दूर जाता है और जिसे सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, ट्रैक्स बनाए, अब ट्रैकों को भी क्या है उसने सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है ना, किसमें डिवाइड कर दिया गया, सेक्टर में डिवाइड कर दिया गया है, जिसके हिसाब से क्या है, हर डाटा अलग अलग सेक्टर में स्टोर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्लस्टर। क्लस्टर बनाने के लिए सेक्टरों को अक्सर एक साथ रखा जाता है। अब क्लस्टर बनाने के लिए क्या है, जो सेक्टर हैं ये आपके, ठीक है ना, उनको एक साथ में रखा जाता है और उनका यूज किया जाता है। ये आपका हार्ड डिस्क वाला पॉइंट आज खत्म हो गया है। मैग्नेटिक टेप वाला पॉइंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। थैंक यू।